हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो यानी लिपी का। होप आप सब सेफ होंगे। तो चलिए आज एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी है। जो लोग जॉब के वेट कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सो उन सब के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। बहुत बड़ी वैकेंसी निकली है। सो ये रहा ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि OPSC का निकला है एडवर्टाइजमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। जो ग्रुप है कॉलेज लेवल का है, तो ये रहा, ये सबके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो लोग अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर देना। अभी तो मतलब स्टार्ट नहीं हुए एप्लीकेशन फॉर्म। कब से स्टार्ट होगा? 12 मार्च से 16 अप्रैल तक डेट है। ओके, सो ये रहा। ये रहा वेबसाइट का लिंक, जैसे opsc.gov.in। तो यहाँ पे जाके आप लोग अप्लाई करना। कब से अप्लाई स्टार्ट होने वाले हैं? 12 मार्च से अप्लाई स्टार्ट होने वाले, 16 अप्रैल तक। ओके, सो ये रहा जहाँ पे वैकेंसी निकली। बहुत बड़ी वैकेंसी है, 385 वैकेंसी है। उसके बाद आप देख लेना अपने अपने सब्जेक्ट में कितना निकला है, अगर आपका सब्जेक्ट निकला है या नहीं निकला है। ओके, तो ये रहा, टोटल 385 सीट है। तो उसके बाद आपके सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अवेलेबल कितना है? 10 है, तो आपको अच्छा खासा पेमेंट मिलेगा। 57,700 का जो पे स्केल होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। ओके, ये परमानेंट पोस्ट है एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के ग्रुप ए वाला है। सो बी रेडी फॉर दैट। ओके, सो ये रहा वैकेंट सीट, किस सब्जेक्ट में कितना वैकेंट सीट बाकी है। SC ST SABC UR PWD स्पोर्ट्स पर्सन, इन सब के हिसाब से सीट खाली है। तो आप लोग अपने अपने सब्जेक्ट का देखना। ओके, सो एंथ्रोपोलॉजी में टोटल 18 सीट है, 6 वुमेन है। उसके बाद कैटेगरीज वाइज डिवाइड हो गया है, SC का कितना, ST का कितना, SABC UR एंड PWD ये सबका हो गया है। ये रहा एंथ्रोपोलॉजी, देन केमिस्ट्री। ओके, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ ताकि आप पॉज करके अपना देख लेना। ओके, देन ये रहा कॉमर्स का, टोटल 20 सीट है। कंप्यूटर साइंस का 28 है एंड इकोनॉमिक का 20 है। एंड ये रहा हमारा सब्जेक्ट एजुकेशन। सो ये रहा एजुकेशन का, जिसमें टोटल 45 सीट है, 15 वुमेन के लिए है। तो ST के है 10, देन SC के है 7 एंड SABC के 5, 2 वुमेन। एंड जो UR कैटेगरी के है तो 23 है, 8 है वुमेन के लिए। सो ये रहा। ओके, अपना अपना सब्जेक्ट देख लीजिए। इंग्लिश का 35 सीट है, ज्योग्राफी का 17 सीट है, जूलॉजी का 10 है। तो कैटेगरीज वाइज भी आप देख लेना। हिंदी का है 15, हिस्ट्री का 25, होम साइंस का 25, लॉजिक फिलोसफी का 10। देन उड़िया 16, फिजिक्स 12, पॉलिटिकल साइंस 35, साइकोलॉजी 15, सांताली 2, सोशियोलॉजी 25। सो ये रहा टोटल 385 सीट है। उसमें से आप अपने सब्जेक्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो देख लेना। ओके, सो कब से है फॉर्म? 12 मार्च को है एंड 16 अप्रैल तक है, आप उसमें भर देना। जो पेमेंट है फी वो फ्री है। ओके, आपको कोई भी पेमेंट देने नहीं पड़ेगी फॉर्म भरने के लिए। सो फॉर्म अच्छे से भर देना। सो ये मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर लूँ, आप लोग देख लेना। ओके, सो एज क्या है? ओके, नॉट मैक्सिमम 45 और मिनिमम 21 एज होनी चाहिए। ओके, सो ये रहा मैक्सिमम 45 ईयर एंड मिनिमम 21 ईयर। सो एज रिलैक्सेशन 5 ईयर है किलो के लिए, SC ST SABC और वुमेन के लिए। तो वुमेन एंड बाय 10 ईयर्स फॉर द पर्सन विद डिजेबिलिटी विद परमानेंट डिजेबल। ओके, जिसका 40% अबव डिजेबल होगा उनके लिए 10 ईयर है, बाकी के लिए SC ST SCBC एंड वुमेन के लिए 5 ईयर है। सो एक अच्छी बात है, वुमेन के लिए भी 5 ईयर का है, तो जहाँ पर वुमेन के लिए मिलता है तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि हाँ थोड़ा तो कुछ है। ओके, देन पर्सन विद डिजेबिलिटी बिलोंग टू SC ST SCBC कैटेगरी आर एलिजिबल फॉर क्यूमुलेटिव एज रिलैक्सेशन 15 ईयर्स। ओके, सो ये रहा एज रिलैक्सेशन। देन व्हाट इज द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्या होना चाहिए अगर आपको अप्लाई करना है? तो क्या होना है ना, आपका जो मास्टर डिग्री है उसमें 55% होना चाहिए। ओके,
अगर आप एससी एसटी हो और पीडब्ल्यूडी हो तो क्या होना चाहिए, 50% होना चाहिए। ओके समझ गए, दूसरे के लिए 55%, अगर आप एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के हो और एससीबीसी की भी हो तो 50% होना चाहिए मास्टर्स में। ओके देन उसके अलावा नेट क्लियर होना चाहिए और मस्ट हैव क्वालिफाइड पीएचडी डिग्री। ओके देन रेलिवेंट एलाइड सब्जेक्ट एनक्लोज्ड विद दिस एडवर्टाइजमेंट। ओके सो ये रहा, नेट होना चाहिए एंड आपके पीजी में कितना होना चाहिए, मिनिमम 55% मार्क। अगर आप कैटेगरी से, अगर रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको 50% होनी चाहिए। ओके यस, ये रहा एग्जामिनेशन फी, जिसे मैंने बताया था। तो कैंडिडेट आर एग्जेम्प्टेड फॉर पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी, आपको कोई भी फी देने नहीं पड़ेगी। ओके सो ये रहा कैसे सिलेक्शन होता है। तो पहले आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, जो यूजीसी का गाइडलाइन है अकॉर्डिंग टू द कॉलेज पे कितना स्कोर होना चाहिए, तो उसी के हिसाब से आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। जो बच्चे शॉर्टलिस्टेड हो गए उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद क्या होगा, इंटरव्यू होगा। देन इंटरव्यू में जो रिजल्ट आएगा, जो लोग इंटरव्यू अच्छा करेंगे उनकी सिलेक्शन होगी। ओके ओके सो कितने लोग शॉर्टलिस्टेड हो गए इंटरव्यू के लिए, एक पोस्ट के लिए 3 times के। ओके तो इस तरीके से शॉर्टलिस्टेड होंगे, उसके बाद आपके इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के बेस पे आपकी सिलेक्शन होगी। तो सबसे बड़ी डिफिकल्ट होती है यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड होना, क्योंकि जो क्राइटेरिया होती है वहाँ पे शॉर्टलिस्टेड होना एंड उसके बाद आपको इंटरव्यू देना है। ओके देन ये रहा बेसिक एलिजिबिलिटी, जैसे मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, कैंडिडेट मस्ट बी रीड राइट एंड स्पीक ओडिया एंड शुड हैव पास्ड यूपी एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट ओडिया एज ए सब्जेक्ट। अच्छा, जो बच्चे पूछते हैं कि हम उड़ीसा से नहीं हैं क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, ओके तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि आपको उड़िया लिखना पढ़ना एंड जो है कहना ये आना चाहिए। ओके एंड आपका क्या होता है, यूपी में लेवल में आपको उड़िया में पास होना होता है या फिर उड़िया का जो एग्ज़ाम होता है उसको आप देना होना होता है। ओके सो अगर आप बाहर से हो लेकिन आपको उड़िया आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं आती है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। ओके सो ये रहा अपना सारा डॉक्यूमेंट, जब आप अगर आप शॉर्टलिस्टेड हो जाते हो सारा डॉक्यूमेंट सही से लेके जाना, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट गलत हुआ तो वहीं पे आपका रिजेक्शन हो जाएगा। सो वी रेडी फॉर दैट, आने से पहले जिन लोग का शॉर्टलिस्टेड होगा सारा डॉक्यूमेंट अच्छे से रेडी करके रखना, अपना अपना जो भी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है, जो भी मतलब पीडब्ल्यूडी या कुछ भी सर्टिफिकेट है, आप सबको रेडी करके रखना अच्छे से। तो ये रहा फॉर्म भरने के टाइम अपना सारा सर्टिफिकेट स्कैन करके रखना, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। सो ये सारा डॉक्यूमेंट आप लोग रख लेना, जैसे यहाँ पे लिखा है आपका 10th के सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन के, मास्टर्स के, देन एमफिल अगर आपने किया है, नेट क्वालिफाई, पीएचडी अगर आपका हो गया है, तो इन सब का आप रख लेना। सो ये सारे सर्टिफिकेट आप देख लेना आपको क्या क्या चाहिए फॉर्म भरने के टाइम, जैसे फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटो, देन उड़िया टेस्ट पास सर्टिफिकेट, अगर आपका 10th में उड़िया था तो वो ही काउंट होगा, अगर आपने कोई एग्जाम दे के पास किया है उड़िया एज ए सब्जेक्ट तो वो वाला सर्टिफिकेट, देन कास्ट सर्टिफिकेट, देन स्पोर्ट्स, अगर आपको स्पोर्ट्स कोटा में जाना है तो वो वाला सर्टिफिकेट, अगर आपकी डिजेबिलिटी है तो सारे सर्टिफिकेट आप रख लेना फॉर्म भरते टाइम। ओके तो pac.gov.in पे आपको फॉर्म भरना है, कब से भरना है, 12 मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं एंड 16 अप्रैल तक, तो 12 मार्च से 16 अप्रैल तक आप भर देना। ओके सो ये रहा, देन यहाँ पे मैंने बताया कि कब से अप्लाई करना है, तो यस opac.gov.in पे, तो अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है, 12 मार्च को स्टार्ट होगा, तो तब से पहले अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है आप वो डॉक्यूमेंट रेडी कर लो, क्योंकि फॉर्म भरने के टाइम आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्योंकि आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ओके
सो ये हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी फॉर्म भरने के टाइम तो आप इस नंबर पे कॉल कर लेना। ओके तो 16 अप्रैल 12 बजे तक टाइम है आपके पास, तो आप फॉर्म भर लेना तब तक। ओके सो यस, ये था आज का, जैसे ये रहा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। यस, क्या क्या क्राइटेरिया है आपके शॉर्टलिस्टेड होने का। जैसे यहाँ पे आपका मार्क्स कितना दिया गया है, अगर आपका ग्रेजुएशन में 80% या तो फिर इससे अभव है तो आपको मार्क्स मिलेगा 21, अगर आपको 60 से लेस 62 एंड 80 के अंदर है तो आपको मिलेगा 19, 50 से 60 तक है 17, तो 45 से और 55 तक है आपको मिलेगा 10 मार्क्स। सो ये रहा मार्क्स कैटेगरी। सो ये देख लेना पीजी में भी, अगर आपका 80 अभव है तो 25 मिलेगा, 60 से 80 तक है तो 23 मिलेगा, एंड 55 से 60 तक है तो 20 मिलेगा। ओके सो ये रहा अगर आपका जो परसेंटेज है, आपने जो स्कोर किया है उसके अकॉर्डिंग। देन अगर आपका एमफिल है एंड उसमें आपने 60% से अभव रखा है, ओके तो आपको क्या मिलेगा, 5 मार्क्स मिलेगा। अगर आपका पीएचडी कंप्लीट हो गया है, ओके ऐसा नहीं कि पीएचडी चल रहा है तो वो काउंट होगा, नहीं, अगर आपका पीएचडी कंप्लीट हो गया है तो आपको कितने मिलेगा, 25 मिलेगा। एंड नेट जेआरएफ है, अगर आपका जेआरएफ है तो आपको 10 मिलेगा, अगर आपका सिर्फ नेट है तो आपको 8 मार्क्स मिलेगा, या तो फिर आपका सेट का है तो 5 मिलेगा। ओके अगर आपने रिसर्च कुछ किया है, पब्लिकेशन किया है, कुछ आर्टिकल पब्लिश किए हैं, तो पर आर्टिकल आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ओके लेकिन वो जो पब्लिकेशन होने वो कहाँ पे, पीयर रिव्यू या तो फिर यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स पे। ओके इनमें से अगर होगा तो वो काउंट होगा, अदरवाइज वो काउंट नहीं होगा। ओके और अगर आपके पास कोई डॉक्टरल एक्सपीरियंस है तो 2 मार्क्स मिलेगा पर 1 ईयर के लिए। अगर आपको कोई अवार्ड मिला है इंटरनेशनल लेवल का तो ये फिर कोई भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से तो आपको मिलेगा 3 मार्क्स। देन अगर आपका स्टेट लेवल का कोई अवार्ड है तो 2 मार्क्स मिलेगा। ओके सो ये रहा, सो मैक्सिमम कितना हो सकता है, सो एमफिल पीएचडी दोनों मिलेगा। अगर आपने एमफिल भी किया है पीएचडी भी किया है तो आपका सिर्फ पीएचडी काउंट होगा, एमफिल का जो 5 मार्क्स है वो आपको नहीं मिलेगा। ओके सिर्फ पीएचडी का 25 मार्क्स काउंट होगा। देन नेट जेआरएफ, अगर आपके पास जेआरएफ है तो फुल मार्क्स 10 है, अगर आपके पास सिर्फ नेट है तो 8 मार्क्स है। ओके सिर्फ नेट का 8 मार्क्स होगा एंड जेआरएफ का 10 मार्क्स होगा, तो कोई भी अवार्ड होगा तो वो मिलेगा मैक्सिमम 3 मार्क्स आपको। ओके सो टोटल 100 मार्क्स है। एकेडमिक स्कोर जो है, जो यूजी पीजी वो सब मिला के 84 है, रिसर्च पब्लिकेशन 6 है, टीचिंग एक्सपीरियंस 10 मैक्सिमम मिलेगा आपको। ओके 10 यानी कि पर 5 मतलब पर ईयर को 2 मार्क्स है तो 5 ईयर का मैक्सिमम मिलेगा। ओके सो ये रहा, सो रिसर्च पब्लिकेशन मैक्सिमम 6 मार्क्स मतलब पर ईयर को 2 मार्क्स है तो मैक्सिमम 3 के आपको मार्क्स मिलेंगे, तो टोटल 100 मार्क्स। तो उनमें से आपका कितना स्कोर हुआ है उसी के हिसाब से आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। ओके ओके ये सारे सब्जेक्ट आप देख लो, अगर आप इनमें से कोई हो सब्जेक्ट। ओके सो एंथ्रोपोलॉजी के अंडर कौन से सब्जेक्ट काउंट हो गए, केमिस्ट्री के अंडर कौन से सब्जेक्ट काउंट हो गए, ये रहा। सारा सब्जेक्ट का दिया हुआ है, देख लेना। सो ये था आज का एडवर्टाइजमेंट, होप आप लोग को पता होगा, जिन लोग को पता नहीं है अब देख लो, वीडियो थोड़ा लेट आ गया क्योंकि मैं थोड़ा ट्रैवल कर रही थी एंड काम था। होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी एंड बी रेडी फॉर दैट, ओपीसी का निकल गया है। सो अभी आप शॉर्टलिस्टेड के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स रख लेना, अगर आपका स्कोर काउंट कर लेना, फॉर्म तो भर देना डेफिनेटली, उसके बाद शॉर्टलिस्टेड होना ना होना वो तो बात की बात है, पहले फॉर्म तो भर देना। ओके सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से रहिए एंड पढ़ाई कीजिए। ओके इंटरव्यू के लिए जिन लोगों का बहुत अच्छा स्कोर है वो तो श्योरिटी है कि हाँ शॉर्टलिस्टेड हो जाएंगे,
जिनका थोड़ा डाउट है फिर भी वो तैयारी करते रहिए, क्योंकि क्या पता हो जाए। सो बी रेडी फॉर दैट एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए एंड एजुकेशन सब्जेक्ट से जुड़े रहिए। ओके, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का ऑल ऑप्शन क्लिक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स को में शेयर कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।